कार्रवाई करी गई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, पीएफ घोटाले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ईओडब्ल्यू ने पीएफ घोटाले पर कार्रवाई करी है। आपको बता दें घोटाले के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, डीएचएफएल के तत्कालीन रीजनल सेल्स मैनेजर अरेस्ट किए गए हैं, तो वहीं अमित प्रकाश को भी गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, फर्जी शेयर ब्रोकर फर्म मालिक मनोज अग्रवाल को भी अरेस्ट कर लिया गया है। विकास चावला, संजय कुमार, पंकज गिरी भी गिरफ्तार हुए हैं। पीएफ घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई करी गई है। पीएफ घोटाले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पीएफ घोटाले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ईओडब्ल्यू ने पीएफ घोटाले पर बड़ी कार्रवाई करी है। घोटाले के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डीएचएफएल के तत्कालीन रीजनल सेल्स मैनेजर को अरेस्ट कर लिया गया है। अमित प्रकाश को भी अरेस्ट किया गया है। फर्जी शेयर ब्रोकर पर मालिक मनोज अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, तो वहीं विकास चावला, संजय कुमार, पंकज गिरी भी गिरफ्तार हुए हैं। पीएफ घोटाले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार जांच चल रही थी, ईओडब्ल्यू जांच कर रहा था, नए नए मोड़ सामने आ रहे थे। लगातार कई लोगों के ऊपर कार्रवाई करी जा रही थी और एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई यहां पर करी गई। आपको बता देते हैं, पीएफ घोटाले को लेकर यहां पर बड़ी कार्रवाई करी गई है। घोटाले के 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और कुल मिलाकर अभी तक 12 लोग इस मामले को लेकर गिरफ्तार हो चुके हैं। अमित प्रकाश को भी गिरफ्तार किया गया है। अरुण जैन को भी गिरफ्तार किया गया। फर्जी शेयर ब्रोकर पर मालिक मनोज अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया। विकास चावला, संजय कुमार, पंकज गिरी भी गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी कार्रवाई यहां पर ईओडब्ल्यू की तरफ से करी गई है। अभी तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 7 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। पीएफ घोटाले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ईओडब्ल्यू ने पीएफ घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई करी है। घोटाले के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव और हमारे साथ जुड़ चुके। राहुल, बड़ी कार्रवाई ईओडब्ल्यू की तरफ से करी गई है। लगातार पीएफ घोटाले को लेकर नए नए मोड़ सामने आ रहे थे। 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज 7 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। देखिए, आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। पीएफ घोटाले में जो नाम सामने आ रहे थे उसमें उन्होंने गिरफ्तार किया है, 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें डीएचएफ के तत्कालीन रीजनल सेल्स मैनेजर हैं ये अमित प्रकाश, इनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा फर्जी शेयर ब्रोकर फर्म मालिक मनोज अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। विकास चावला, संजय कुमार, पंकज गिरी, इनको भी गिरफ्तार किया गया। तो तमाम गिरफ्तारी हुई है पीएफ घोटाले में और अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कई बड़े नाम हैं और ये 7 गिरफ्तारी ईओडब्ल्यू के द्वारा आज की गई। जी जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफ घोटाले में बड़ी कार्रवाई सामने आई। अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज 7 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है। ईओडब्ल्यू लगातार जांच पड़ताल कर रहा था, नए नए मोड़ सामने आ रहे थे, लगातार नए नए लोगों के नाम भी सामने आ रहे थे, बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें सामने आए थे पीएफ घोटाले को लेकर, और 7 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। घोटाले के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफ घोटाले को लेकर ये पूरा मामला है। डीएचएफएल के तत्कालीन रीजनल सेल्स मैनेजर को भी अरेस्ट कर लिया गया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।